तो हम पहले कुछ पिछली बेसिक चीजों के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं ओवरव्यू पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जैसे कि हमने आपको बताया था कि वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज करने से पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। और आपके सिस्टम में डेवलपर टैब नहीं है तो फाइल मेनू में जाए, ऑप्शन पे जाए और यहाँ कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करें, तो डेवलपर टैब यहाँ अनचेक होता है डिफॉल्ट, इसको चेक करके वापस ला सकते हैं। विजुअल बेसिक एडिटर में जाके हम वीवीए का इंटरफेस लेते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डेवलपर टैब नहीं आ रहा है तो आप इसकी शॉर्टकट अल्ट F11 प्रेस करके भी ला सकते हैं। माइक्रो को रिकॉर्ड कोड किसी भी चीज करने से पहले एक बार इसकी सिक्योरिटी को अनेबल कर लें, यहाँ अनेबल और माइक्रो, और दूसरा फाइल को सेव कर लें माइक्रो अनेबल वर्कबुक में, क्योंकि एक्सेल बाय डिफॉल्ट जो होता है आप लोगों को फाइल एक्सेल वर्कबुक में सेव होता है, जो कि माइक्रो डिसेबल फाइल होती है, इसमें माइक्रो सेव नहीं होता है। ये रन तो हो जाएगा लेकिन जैसी फाइल को आप सेव करोगे वापस रीओपन करोगे तो आपका फाइल पे माइक्रो सारे डिसेबल हो जाएंगे, सारे माइक्रो लॉस्ट हो जाएंगे, इसलिए इस चीज को जरूर कीजिएगा। उसके बाद विजुअल बेसिक खोलिए, आपके सामने ये इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस में यहाँ पे दो चीज जरूरी है, वीबीए प्रोजेक्ट और वीबीए सीट प्रॉपर्टीज। प्रोजेक्ट में आपके जितने भी सीट और जितने भी फाइल खुले हुए हैं उसका नेविगेशन यहाँ होता है, जहां से आप जा सकते हैं, या जो भी आप मॉड्यूल यूजर फॉर्म जो भी इंसर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखता है, और जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो उसकी प्रॉपर्टीज उसके हिसाब से यहाँ पे होता है, जो प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हो। तो अगले बार बाय डिफॉल्ट तो होता है लेकिन कभी कभी मान लीजिए किसी ने हटा दिया या आपसे हट गया, तो वापस लाने के लिए आपके पास ये देखिए इस पे क्लिक कर सकते हैं, जिसका नाम जो है कंट्रोल R, और दूसरा ये आपका F4 प्रॉपर्टी के लिए है। अगर मान लीजिए कि ये आइकन यहाँ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ व्यू में जाके ये रहा आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और ये आपका प्रॉपर्टी विंडो इंसर्ट कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं कि हम कोडिंग कहाँ करेंगे। देखिए जितने भी सीट आप इंसर्ट करते हैं हर सीट का यहाँ पे लिस्ट आएगा, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी हो तो सीट के ऊपर डबल क्लिक करके भी यहाँ भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, बट हम आपको यहाँ प्रोग्रामिंग करने की सजेशन नहीं देंगे। रीजन, क्योंकि जब हम प्रोग्राम सीट के ऊपर करेंगे तो दो प्रॉब्लम होगी। पहली प्रॉब्लम कि अगर हमारा सीट डिलीट होगा तो मेरा कोडिंग भी डिलीट हो जाएगा, और दूसरी प्रॉब्लम कि ये दूसरे सीट के रेफरेंस को नहीं लेगा, बहुत हद तक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग करते हैं। माइक्रो प्रोग्रामिंग के लिए हम जाते हैं इंसर्ट मॉड्यूल्स में, ठीक है, मॉड्यूल्स में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने से पहले आप जो है जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इसको आप माइक्रो से रिकॉर्ड करके भी किया जा सकता है। तो रिकॉर्ड एक फैसिलिटी है जहां पे आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। तो इससे क्या होता है कि इसकी कोडिंग जो है यहाँ देखिए मॉड्यूल्स में इसकी कोडिंग हो गई, तो जनरली रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं। तो उससे पहले हम माइक्रो को टाइप के बारे में जानते हैं। जैसे हमने एक माइक्रो को रिकॉर्ड कर लिया, या फिर हमने यहाँ पे सब एक माइक्रो को हमने डिफाइन कर लिया, अब इसमें प्रोग्रामिंग जो भी डाल लेकिन माइक्रो डिफाइन हो गया, इन दोनों माइक्रो का लिस्ट आपको माइक्रो फाइल में यहाँ दिख रहा है। तो अब यहाँ पे माइक्रो का टाइप टाइप समझिए, माइक्रो का दो टाइप होता है, एक आपका होता है पब्लिक माइक्रो। पब्लिक माइक्रो मतलब ये माइक्रो पब्लिकली हर फाइल के साथ सेव होता है और जहां जहां फाइल ट्रेवल करती है वहां माइक्रो चलता है। मतलब कि जब तक बुक वन ओपन है तब तक आप इस माइक्रो को बुक टू में भी रन कर सकते हैं, बुक टू के अंदर भी इसको रन कर सकते हैं, बट जैसे बुक वन क्लोज होगी ये माइक्रो वर्क नहीं करेगा। तो पब्लिक माइक्रो इसलिए नाम दिया गया क्योंकि फाइल जहां जहां ट्रेवल कर दिया है फाइल के प्रॉपर्टीज में माइक्रो सेव होता है वहां वहां ट्रेवल करता है, पहला। दूसरा हमारे पास होता है प्राइवेट माइक्रो। प्राइवेट माइक्रो क्या होता है, प्राइवेट माइक्रो के दो पार्ट है, एक है हमारा पर्सनल माइक्रो।
पर्सनल मैक्रो में जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताया कि जो मैक्रो हमने रन की वर्क कर रहा है, जिस फाइल में कोड हो रहा है उसी फाइल में सेव होता है। जब तक वो फाइल ओपन है तब तक वो वर्क करेगा, जैसे ही फाइल क्लोज होगा वो वर्क नहीं करेगा। तो मुझे अगर कुछ ऐसा बनाना है जो कि एक मैक्रो का ऑब्जेक्ट, जो मैक्रो का जो ऑब्जेक्ट है उसके तरह से हो, मैक्रो का जो एक सिस्टम, मतलब कि जैसे एक एक एक्सेल का एक जैसे कोई कमांड है जो हर एक्सेल में होता है, उस तरह से बनाना है, तो उस केस में आप रिकॉर्ड मैक्रो करने का करते समय यहाँ पे पर्सनल मैक्रो सिलेक्ट कर लो। बाद में भले ही कोड कर लो उसके अंदर, लेकिन शुरुआत में पर्सनल मैक्रो कर लो ताकि पर्सनल मैक्रो क्रिएट कर लेगा। तो पर्सनल मैक्रो क्या करता है, आपके सिस्टम में कोड को सेव करता है, न कि किसी पर्टिकुलर फाइल की प्रॉपर्टी में। तो अगर फाइल किसी को भेजते हो तो इससे उसका मैक्रो नहीं जाता है, क्योंकि मैक्रो जो सेव है वो आपके पीसी में सेव है। और उसका बेनिफिट क्या होता है कि हर फाइल में आपको आपका मैक्रो दिखेगा और उसका इस्तेमाल हर फाइल में कर सकोगे। इवेंट मैक्रो होता है इसका दूसरा पार्ट। इवेंट मैक्रो मतलब कि जैसे कि आपने बोला है कि मुझे किसी पे डबल क्लिक करूं तो मेरा मैक्रो रन हो जाए, तो उस केस में हम इवेंट मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गई मैक्रो की प्रॉपर्टी। मैक्रो की प्रॉपर्टी के बाद हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो। जैसे हमने यहाँ पे टीटी नाम दे दिया, तो यहाँ पे सब भी लिख सकते हैं, पब्लिक सब भी लिख सकते हैं, कि पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं होती, सब चलता है। और हमेशा आप मॉड्यूल्स में हम कोडिंग करेंगे, ये भी हमने बता दिया आपको। अब मैक्रो नेम दिया, जैसे मैं डाल दिया राज1। राज1 जो हमने डाला ये मैक्रो गलत है। क्यों? क्योंकि राज1 नाम का रेफरेंस है आपके पास। तो राज1 नाम का आपके पास रेफरेंस है, तो नेम के अंदर में 3 डिजिट का अल्फा और 1 डिजिट का न्यूमेरिक आप नहीं डाल सकते। 1 या 2 डिजिट का न्यूमेरिक जो भी है आप नहीं डाल सकते। हाँ तानवी जी, हाँ मैंने मेल किया है आपको, मैंने, आप चेक कर लीजिए मेल गया है, बाकी लोग गया आपके पास नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो अभी तो बैच में है। 9:30 के बाद 10:30 पे भी गया है आपको, 10 बजे के बैच में भी है ना, आप हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग में माइक्रो डिफरेंस। तो माइक्रो का नाम जब भी लिखेंगे आप, तो उसमें आप जो है डॉट डैश कॉमा प्लस कोई भी स्पेशल करेक्टर आप नहीं लिखेंगे। हाँ अंडरस्कोर दे सकते हैं, क्योंकि अंडरस्कोर के स्पेशल करेक्टर कैटेगरी में नहीं रखा गया है। अब दूसरा बात आती है कि हम जब प्रोग्राम करते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे करें। तो जैसे कि कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब कोई वर्ड आप बोलते हैं, तो उसके बोलने की कला है कि पहले आप नाउन बोलेंगे, फिर प्रोनाउन या एडवर्ब होगा या वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे D1 पे कर्सर ले जाना है, तो उसके लिए होगा यहाँ पे रेंज D1 डॉट सेलेक्ट, रेंज D1 डॉट सेलेक्ट। तो इसमें रेंज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, D1 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेल हो गया, और डॉट के बाद जो दिखा आपको सेलेक्ट एक्शन हो गया। तो यहां पे क्या होता है, सिंपल साथ बतू बताऊंगा आपको, लोकेशंस और एक्शंस। अब बात आती है कि हम रेंज ही क्यों लिए और रेंज के अलावा क्या ले सकते हैं। तो VVA में मोस्टली 4 मेन ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक एप्लीकेशन है, दूसरा आपका वर्कबुक है, तीसरा आपका शीट्स है, चौथा आपका रेंज है। मतलब कि ये आपका एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है, आपका जो लिस्ट है इसका प्रोसेस लिस्ट है कि आपको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ क्या कंडीशन लगानी है, उस पर डिपेंड करता है।
अगर आपका जो प्रोसेस लिस्ट एप्लीकेशन को इफेक्ट कर रहा है तो एप्लीकेशन हम कोड होगा, जैसे कि डिस्प्ले अलर्ट, अलर्ट जो है उसकी डिस्प्ले को हटाना चाहते हो जो कि किसी पर्टिकुलर फाइल का पार्ट नहीं है, ये एप्लीकेशन का पार्ट है, तो एप्लीकेशन पे जाएगा। कोई नई फाइल को क्रिएट, सेव, ओपन, क्लोज वगैरह करना चाहते हो, फाइल को इफेक्ट कर रहा है तो वर्कबुक्स का इस्तेमाल करेंगे। वर्कबुक नहीं होता है, वर्कबुक्स होता है, माफ कीजिएगा, वर्कबुक्स का इस्तेमाल करेंगे। किसी सीट के ऊपर दिक्कत होती है तो हम सीट का लेंगे, और किसी सेल सेल पे, तो इसमें जो मेन है रेंज है, रेंज सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और हमारा 80% काम जो है रेंज पे होता है, क्योंकि हम पिवट लगाएंगे, हम चार्ट लगाएंगे, हम फिल्टर लगाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसको हम रेंज पे ही करेंगे। रिविजन बेसिक जो है ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। अब इसमें हम बात करते हैं एक एक, हम एप्लीकेशन को फिलहाल छोड़ देते हैं, वर्कबुक और शीट और रेंज के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ऐसे समझिए कि हम बेसिक जो आपने शुरुआती दौर में एक्सेल सीखा होगा ना, कॉपी करना, ओपन करना, क्लोज करना, वही चीज हम सीखने जा रहे हैं लेकिन वीवीए लैंग्वेज के थ्रू। तो हम बात करते हैं वर्कबुक की। तो यहां पे हमने वर्कबुक डॉट ऐड कर लिया, तो हम क्या करते हैं, एक नई वर्कबुक को ऐड करते हैं, एक नई वर्कबुक को ऐड करते हैं। लेकिन जो ऐड हुई वर्कबुक है उसको अगर मुझे सेव करना है तो हम यहां पे एक्टिव वर्क बुक्स डॉट बुक बुक्स नंबर बुक होगा डॉट सेव एज, और जिस लोकेशन पे करना है, जिसमें डी ड्राइव के अंदर 2016 के अंदर 123.xls xls x के नाम से शो करना है, तो ये सेव कर देगा। लेकिन जब हमने यहां पे एक्टिव वर्कबुक क्यों लिया, क्योंकि वर्कबुक को सेव करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि वर्क बुक्स बुक्स, और यहां पे हम लिखते हैं बुक 1.xls x डॉट सेव एज, और फिर यहां पे हमारा इसका पाथ हो जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब वर्कबुक ऐड करते हैं तो हमेशा बुक वन, बुक टू, बुक थ्री नहीं होता है, बुक वन नहीं होता, बुक टू, बुक थ्री, बुक फोर भी हो सकता है, इसलिए हम एक्टिव वर्कबुक की। एक्टिव वर्कबुक क्यों किए, क्योंकि जो जब भी हम कोई नई सीट, नई फाइल, नई सीट इंसर्ट करते हैं तो वही हमारा एक्टिवेट होता है। जैसे हमने अभी बुक थ्री को ऐड किया तो बुक थ्री एक्टिवेट है। तो जब आपको ऑब्जेक्ट पता ना हो क्या है, तो हम यहाँ एक्टिव वर्कबुक लेते हैं कि हाँ इतना पता है कि ऑब्जेक्ट एक्टिवेटेड है, तो हम एक्टिव वर्कबुक्स ले लेंगे, चाहे एक्टिव सीट या एक्टिव सेल लेंगे, बाकी सबसे सेम रहेगा। तो ये इनिशियल कोड किस पे वर्क करता है, किसी एक पर्टिकुलर फाइल पे जो भी पता है। लेकिन अगर मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपको फाइल, इसको फाइल क्रिएट करके सेव ही करना है, तो आप डायरेक्ट जो है ऐड डॉट सेवेज कर सकते हो, नीचे एक्टिव वर्कबुक करने का जरूरत ही नहीं है। तो ये तो लगे फाइल को ओपन करने का और फाइल क्रिएट करने का और फाइल सेव एज करने का, ऐसे आपको जस्ट फाइल को सेव करना है। तो आप एक्टिव वर्कबुक लोगे या वर्कबुक का ये पार्ट लोगे, ये डिपेंड करता है आपके फाइल की सिचुएशन पे। फाइल एक्टिवेट है तो एक्टिव लो, नहीं भी पर्टिकुलर फाइल है तो ये इसका मेथड लो, ये जो मेथड मैंने बताया आपको, और जस्ट सेव कर दोगे तो कंट्रोल एस सेव कर देगा। मतलब कि ये जो सेव एज है, न्यू फाइल या पुराने फाइल को डिफरेंट नाम से सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और नीचे वाला पार्ट जो है ये हमारा एग्जिस्टिंग फाइल को जस्ट सेव करने के लिए, डेटा सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्कबुक के बाद जो नीचे हमारे पास हमने वर्कबुक को, किसी वर्कबुक को क्रिएट करना और सेव एज करना सीखा।
लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसको ओपन करना, क्योंकि आगे चल के जब फाइल बनाओगे आप रिपोर्ट बनाओगे तो आपको ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्पेस से जाके फाइल को ओपन करना, फिर डेटा करना, कॉपी करना और फिर पेस्ट करना। तो कॉपी पेस्ट से पहले ओपन करने का कोड पता होना चाहिए आपको। तो ओपन करने का कोड होता है यहाँ पे वर्क बुक्स डॉट ओपन, और यहाँ पे आप पाथ डाल दीजिए जो आपका फाइल का पाथ है विथ एक्सटेंशन। अगर आपकी उस फाइल में अगर पासवर्ड लगा हुआ है तो यहाँ पे आप एक चीज और भी होती है, जैसे फाइल ओपन करते हैं तो अपडेट लिंक का भी ऑप्शन देता है, तो डालना है डालिए, स्किप करना है तो एक को कमांड आगे स्किप कर दीजिए, रीड ओनली ओपन करना है तो ट्रू कीजिए, तो फॉल्स कीजिए। पासवर्ड यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हैं, जो भी पासवर्ड होगा या रीड राइट पासवर्ड होगा तो पासवर्ड भी डाल सकते हो अगर फाइल में पासवर्ड डाला हुआ है तो फाइल ओपन करने का पार्ट ये आपका होता है। अब फाइल ओपन हुई है तो फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा, तो फाइल क्लोज करने का आप मेथड एक्टिव वर्कबुक या वर्कबुक का जो ये मेथड है आपका वो ले सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जो आपका उस करंट सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग कोड करोगे आप। और यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, क्लोज में यहाँ पे हम ट्रू लिख देते हैं। ट्रू क्यों लिखते हैं या फॉल्स क्यों लिखते हैं, जैसे कोई फाइल को क्लोज करते हो तो आपसे कंफर्म करता है डू यू वांट टू सेव, अगर सेव पे क्लिक करना है तो ट्रू, अगर डोंट सेव पे क्लिक करना है तो फॉल्स, ये आपको देना पड़ेगा, ये ट्रू फॉल्स देना ही पड़ेगा, वरना आपको आगे बढ़ने नहीं देगा माइक्रो, यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, और जब तक कि आप सेव या डोंट सेव पे क्लिक नहीं करते हैं तब तक आगे आपको नहीं बढ़ने देगा। तो हमने फाइल को क्लोज करना सीख लिया। फाइल क्लोज करने के बाद क्या होता है कि अगर हमने दो फाइलें खोल रखी है तो हम लोग ऑल्ट, इससे जैसे दो फाइल है तो हम लोग ऑल्ट टैब से एक फाइल से दूसरे फाइल पे आते हैं ना, नेविगेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, या फिर यहां से क्लिक करके हम दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं, तो ये भी एक जरूरत पड़ेगी आपको। तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक आपका है कि आप यहाँ पे लिखोगे वर्क बुक्स और इसके अंदर में आप देंगे बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स, जो भी एक्सटेंशन है आपका डॉट एक्टिवेट, ये कर सकते हैं। या फिर आपको फाइल का नाम नहीं पता है तो आप यहाँ पे विंडोज और विंडोज के साथ यहाँ पे आप यहाँ पे खाए तो फाइल का नाम लिख सकते हैं, बुक वन बुक टू जो भी फाइल का नाम है, या फिर यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर भी लिख सकते हैं और आपका एक्टिवेट करेगा। तो ये विंडोज फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेल के अंदर व्यू मेनू बार के अंदर आपके पास यहाँ पे होता है स्विच विंडो, वन करोगे तो इस बुक फोर को करेगा, टू करोगे तो बुक वन को करेगा, तो ये आपका स्विच विंडो का वर्क इसी तरह से होता है। तो दोनों कोड अपने से जो कोड आपके लिए सुटेबल वो कोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम फाइल को मान लीजिए सेव एज ही किया तो सेव एज में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप इसको करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि ये फाइल का फॉर्मेट होगा, एक पासवर्ड डालना चाहते हो, रीड ओनली पासवर्ड, इसी भी कर सकते हो, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन हम बात करते हैं फाइल को प्रोटेक्ट करने की, अगर कोई पर्टिकुलर फाइल को मुझे प्रोटेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो आप एक्टिव वर्कबुक या वर्कबुक लो अपने हिसाब से, मैं फिलहाल एक्टिव वर्कबुक ले रहा हूं। डॉट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट में आप यहां पासवर्ड डाल दो। अब ये प्रोटेक्शन कौन सी है, ये प्रोटेक्शन आपकी रिव्यू के अंदर जो प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर होता है आपका, प्रोटेक्ट वर्कबुक जो एक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, इसको करने के बाद आप सीट को ना रिनेम, डिलीट, इंसर्ट कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते सीट को, तो वो होता है, और वापस इसको अनप्रोटेक्ट करना हो तो आप यहीं पे प्रोटेक्ट के जगह पे अनप्रोटेक्ट लिख सकते हो, डॉट अनप्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूं अपने फाइल के अंदर ओपनिंग पासवर्ड डालना, तो हमने यहां पे लिखा एक्टिव वर्क बुक्स डॉट बुक्स नहीं बुक डॉट पासवर्ड और इक्वल टू हमने पासवर्ड डाल दिया, तो ये पासवर्ड क्या किया, ये ओपनिंग पासवर्ड हुआ।
ये क्या करेगा, आपके फाइल के अंदर जाएगा और फाइल के अंदर जाने के बाद इन्फो में यहीं पे आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसमें एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इसमें पासवर्ड डाल दिया। इसके डालने के बाद क्या होगा, जब तक फाइल आप जब तक पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक ये फाइल ओपन ही नहीं होगा, ये हो गया। बट इसमें एक चीज तो एक देखने वाली बात है कि इससे ऊपर तक अभी तक हमने कहीं पे इक्वल इस्तेमाल नहीं किया, बट इसमें इक्वल क्यों इस्तेमाल किया। जैसे कि शुरुआती में मैंने बताया आपको कि दो पार्ट होते हैं कोड के, पहला आपका ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है आपका एक्शन मतलब कि मेंबर। तो मेंबर दो तरह के होते हैं, पहला होता है मेंबर दो तरह का होता है, मेथड और दूसरा होता है प्रॉपर्टी। तो प्रोटेक्ट जो है ये मेथड है और ये प्रॉपर्टी है। तो मेथड में हमेशा हम एक्शन डिटेल डालने के लिए स्पेस का इस्तेमाल करते हैं और हम प्रॉपर्टी में डिटेल डालने के लिए इक्वल का इस्तेमाल करते हैं। अब हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कि पासवर्ड प्रॉपर्टीज है और अनप्रोटेक्ट या प्रोटेक्ट मेथड है, इसके दो तरीके हैं देखने के। पहला, जैसे स्पेस मारोगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया, इसका मतलब ये मेथड है, स्पेस पे चलेगा। और दूसरा, जब आप डॉट लगाते समय यहाँ जो खुलता है इसमें एक्टिवेट दिख रहा है आपको, एक्टिवेट के सामने एक ग्रीन बॉक्स लगा हुआ है, इसका मतलब कि वो मेथड है और जिस पे ये हैंड का उंगली का निशान है वो प्रॉपर्टी है। इससे आप आइडेंटिफाई करोगे और स्पेस और इक्वल को आप कैरी करोगे। दूसरा है कि अगर कोई एक्टिव वर्कबुक को हिडन करना चाहते हो तो यहीं पे आप लिख सकते हो वर्कबुक डॉट हिडन, नहीं नहीं विजुअल होता है, अच्छा हाइड का दूसरा मेथड होता है, ये बाद में बताऊंगा आपको, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। तो एक फाइल के साथ हम यही करते हैं, हम फाइल को ओपन करते हैं, फाइल को सेव एज करते हैं, हम फाइल क्रिएट करते हैं, सेव या सेव एज करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट और ऑल्सो पासवर्ड डालते हैं। इसके अलावा और करते होंगे लेकिन बेसिक तो इतना ही कहता है। उसके बाद हमारा दूसरा जो मेंबर है वो हमारा सीट्स का है। तो चलिए सीट्स में हम क्या क्या बेसिक कंसेप्ट करते हैं उसके बारे में एक बार जान लें। जैसे सर ये वर्कबुक और वर्कबुक्स में क्या डिफरेंस है? वर्कबुक जो है हमने एक्टिव वर्कबुक किया मतलब कि सिंगल बुक, अब वर्कबुक्स मतलब एक या एक से ज्यादा बुक, ठीक है। एक्टिव वर्कबुक में होता है एक बुक होता है बुक, और वर्कबुक्स में बुक्स होता है, ठीक है। हम सीट की बात करते हैं तो सीट का कॉलिंग मेथड क्या है? जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पे वर्कबुक में वर्कबुक या वर्कबुक्स या एक्टिव वर्कबुक को ले सकते हैं, दो मेथड है। ऐसे आपको सीट को कॉल करने के भी टोटल तीन मेथड है। पहला, जैसे कि सीट देख रहे हो तो सीट के यहाँ पे एक नेम यहाँ है, एक ब्रैकेट में यहाँ है, मतलब कि एक प्रॉपर्टी नेम है, दूसरा कैप्शन नेम है। कैप्शन नेम मतलब कि मैं सीट वन के यहां जैन कर दिया तो ये आपका कैप्शन नेम हुआ, बट प्रॉपर्टी नेम आपका ये सीट वन ही रहेगा। प्रॉपर्टी नेम चेंज करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी में जाके यहां पे हमें चेंज करना होगा, अगर हम सीट वन को मंथ लिख दें तो ये आपका चेंज हो जाएगा। तो दोनों से कैप्शन नेम से भी हम इसको कॉल कर सकते हैं और हम इसको प्रॉपर्टी नेम से भी, जैसे कि यहां पे हमने दे दिया कि सीट सीट नहीं मंथ है ना, हाँ मंथ डॉट एक्टिवेट या सिलेक्ट, या फिर हम लिखेंगे यहां पे सीट्स जैन डॉट सिलेक्ट। तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से चूज कर सकते हो कि अगर आपका सीट डिलीट नहीं होता है तो आप ये ले लीजिए, फिक्स रहता है। अगर आपका नाम फिक्स है बट सीट डिलीट होते रहता है तो आप इसको लें। अगर आपको कुछ नहीं पता कि नाम क्या है और प्रॉपर्टी नेम कैप्शन नेम क्या है, कुछ नहीं पता है, तो उस केस में आप यहाँ पे सीट सीट के साथ उसका इंडेक्स नंबर ले सकते हैं। पोजीशन मतलब कि ये पहला उठाएगा यहाँ पे, सिलेक्ट वन मतलब कि पहली सीट जैन को वो सिलेक्ट करेगा।
अगर जैन के जगह पहले सीट टू है तो सीट टू को सिलेक्ट करेगा, ये पोजीशन के हिसाब से चलता है, इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग चलता है, सीरियल नंबर से। तो सीट को कॉल करने का तरीका आपके सामने है। और तीसरा एक्टिव सीट तो है ही, जैसे एक्टिव वर्कबुक ऐसे आपका एक्टिव सीट है, तो वो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब सीट पे क्या क्या चीज होता है, हम सबसे पहले सीट को इंसर्ट करते हैं। तो सीट को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे सीट्स डॉट एड लिखते हैं, ये आपका सीट ऐड हो जाता है। ऐड होने के साथ साथ आप जैसे कि ऐड कहा होगा जो एक्टिव सीट होगा उससे पहले होगा, लेकिन मैं चाहता हूं सबसे बाद में ऐड करना, तो उसका तरीका है कि मैं यहां पे जैसे स्पेस मारूंगा तो ये आपका बिफोर हाईलाइटेड है, लेकिन मुझे आफ्टर पे करना है। तो इसके दो तरीके हैं, खाए तो मैं यहां पे लिखूं आफ्टर और यहां पे कॉलन और इक्वल डू, तो देखिए आफ्टर आपका एक्टिवेट हो गया। या फिर मैं यहां पे एक कॉमा दे दूं तो ये आपका बिफोर स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो क्या करोगे। अब मैंने यहां पे दे दिया कि सीट्स और सीट में मैंने बोल दिया आप थ्री, तो क्या करेगा तीन सीट के बाद ये इसको सीट को ऐड करेगा, एक दो और तीन के बाद, लेकिन मुझे सबसे लास्ट में ऐड करना है और जरूरी कि तीन ही हो और तीस भी हो सकते हैं। तो यहां पे हम एक फॉर्मूला लगा देंगे सीट्स डॉट काउंट, वो क्या करेगा सीट को काउंट करेगा और काउंट करके उतने सीट ऐड कर देगा। और इसमें स्पेस मारेंगे तो आपके पास एक आता है काउंट। अभी क्या है कि एक बार में एक ही कोड एक ही सीट इंसर्ट करेगा, बट काउंट में अगर मैंने फाइव कर दिया जब रन होगा तो एक बार में पांच सीट को ऐड करेगा। अब ये तो चल ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल मान लीजिए कि मैंने एक ही सीट ऐड किया है, पांच सीट को तो रिनेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने एक सीट ऐड किया है उसको मैं आप नाम डेटा देना चाहते हैं, तो उस केस में दो तरीके कि आप यहाँ पे एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू आप कर दीजिए डेटा। बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि एक्टिव सीट आपने लिया, क्योंकि हम जानते हैं जब सीट ऐड होती है तो एक्टिवेट होती है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जब मुझे सीट को रिनेम ऐड करके रिनेम करना ही है तो आप यहाँ पे इस तरह से लिखते हो सीट डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू डेटा। अब ध्यान रखिएगा कि आप जो कोडिंग करेंगे वो खाया तो स्मॉल लेटर में करेंगे या कैप्स लेटर में करेंगे, और जैसे लाइन को नीचे एंटर मारेंगे आपका कोड टाइटल केस में चला जाएगा, मतलब कि उसका फर्स्ट लेटर सबका बड़ा हो जाएगा। अगर फर्स्ट लेटर बड़ा हो रहा है इट मींस आपका कोड सही है, अगर आपका फर्स्ट लेटर बड़ा नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि कोड इसके कोड लाइब्रेरी में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कि गलती होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो सीट को इंसर्ट करना सीख लिया हमने और सीट को हमने नेम रिनेम करना सीख लिया। अब बात करते हैं सीट को डिलीट करना। तो सीट को डिलीट किया जा सकता है, जैसे कि हमने यहां पे लिख दिया मंथ डॉट डिलीट, बट अगर सिर्फ यही कोड डिलीट लिख देते हैं तो क्या होगा, जैसे मैं इसको यहां से डिलीट करूंगा तो मुझे कंफर्मेशन पूछेगा, तो ये आपका अलर्ट आता है, तो मैं चाहता हूँ कि अलर्ट ना आए क्योंकि ये रुक जाएगा मैम, जब तक डिलीट ना करेगा तब तक आगे ये कोड को वर्क नहीं करेगा। तो उस केस में मुझे इससे पहले एक कोड लगाना पड़ेगा कि एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, अब ये आसानी से डिलीट कर देगा, ठीक है। अब हमने सीट को इंसर्ट कर लिया, रिनेम कर लिया और हम डिलीट कर रहे हैं, उसके बाद सीट को क्या करते हैं कॉपी एंड मूव। अब मान लीजिए कि आपके सामने एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को आप मूव करना चाहते हैं एक नई फाइल में ताकि उसको सेव कर सके, या कॉपी करना चाहते हैं एक नई फाइल में, तो आपको यहाँ पे सीट का नाम प्रॉपर्टी कैप्शन नेम जो भी आपके लिए सुटेबल है वो डालें, चारों में से एक एज ए सिचुएशन, और मैंने यहां कर दिया मूव, अब मूव करके छोड़ दिया यहां पे, तो क्या होगा कि एक नई फाइल में मूव करेगा,
लेकिन मुझे इस नई फाइल क्रिएट करके मूव करेगा, लेकिन मैं नई फाइल क्रिएट करके मूव नहीं कराना चाहता हूं, मैं बुक फोर में करवाना चाहता हूं। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि बुक, यहां पे वर्क बुक्स, और इसमें हम देंगे बुक फोर डॉट एक्सएलएस एम या एक्सएलएस एक्स जो भी है आप एक्सटेंशन ना लेंगे, और डॉट यहाँ पे सीट का रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि किस सीट में कर रहे हैं आप। तो सीट नंबर हमने कर दिया 2, तो 2 सीट से पहले इस फाइल में डाल देगा, नई फाइल क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे इसी सेम फाइल में इसका मूव करे, जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, उठा के डाल देते हैं ना फर्स्ट पे। तो उस केस में हमें ए फाइल नेम देने की जरूरत नहीं है, यहां पे हम मूव कर देते हैं और इसको ये आपका इस मूव कर देगा। और सेम थिंग आपका कॉपी होता है कि अगर मैंने मंथ को पकड़ा और कॉपी कर दिया तो एक नई फाइल में इसको कॉपी कर देगा, और आपको किसी पर्टिकुलर फाइल या इसी फाइल में मूव कर कॉपी करना है तो फिर आप सेम मेथड अपनाएंगे, मूव के जगह कॉपी लिखेंगे। अब बात करते हैं सीट में प्रोटेक्ट करने की। हमने यहाँ पे सीट या मंथ जो भी सीट का नाम है हम लेते हैं, मंथ डॉट हमने कर दिया प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट में हम पासवर्ड डालेंगे, और उसके बाद इसमें ट्रू फॉल्स होता है। अब ये सब क्या है, जैसे सीट को राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपके चेक बॉक्स आते हैं। जो चेक बॉक्स आ रहे हैं जिस पे क्लिक करना है वहां आप ट्रू दे दीजिए तो ये आपका कर देगा प्रोटेक्ट। और ऐसे आपको अनप्रोटेक्ट करना है तो डॉट मंथ डॉट अनप्रोटेक्ट, जैसे आपने फाइल क्लिक किया है पासवर्ड डाल दीजिए। सीट को हाइड करना है तो हाइड के लिए यहां पे होता है कि मंथ डॉट विजुअल, विजुअल में 3 चीजें है, सीट हिडन कर दिया, ये आपका नॉर्मल हिडन होता है जो कि कोई भी यूजर बिना किसी कारण से यहां से अनहाइड कर सकता है राइट करके। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, जो यूजर है वो हाईलाइट ना कर सके, जो प्रोग्रामर ही उसको अनहाइड कर सके, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सेल हिडन के जगह पे एक्सेल वेरी हिडन करना पड़ेगा। अच्छा विजुअल करना होगा तो यहाँ पे एक्सेल विजुअल कर दीजिए, या फिर उस सीट के प्रॉपर्टीज को सही सेलेक्ट कीजिए और नीचे यहां से आप उसको विजुअल कर सकते हैं। यहाँ भी आपका 3 चीज होता है, हिडन वेरी हिडन हिडन और विजुअल, वो सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अब बात आती है सीट की टैब कलर चेंज करने की। जैसे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे टैब कलर हमने सेलेक्ट कर लिया जो भी टैब कलर है, और मैं चाहता हूं कि वो टैब कलर चेंज हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे। तो उस केस में हम यहां पे अपना सीट का मेथड देंगे डॉट, मैं यहां दूंगा टैग डॉट कलर। अब कलर के बाद मैं इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मैजेंटा दे सकता हूं, या फिर मैं डाल सकता हूं यहां पे RGB और यहां पे कलर का कोड। अब एक कलर कोड कहां से मिलेगा आपको, तो इसका इसके लिए आपको एक्सेल हेल्प करेगा कि आप एक्सेल के मोर कलर पे चले जाएंगे कस्टम पे, ये आपका RGB रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू इसका इस्तेमाल, इसका नंबर डाल देंगे तो जो भी कॉम्बिनेशन से कलर बनेगा वो कलर आपको शो कर देगा। या फिर कलर का एक और मेथड है कि डॉट टैब डॉट कलर इंडेक्स। कलर इंडेक्स में आप यहां पे 0 से लेके 255 तक, इक्वल 20, 0 से लेके 255 तक डाल सकते हो, नहीं 55 तक माफ कीजिएगा, वो हर एक नंबर पे एक अलग अलग कलर होता है, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका टेबल तो आता था लेकिन वो टेबल में से लॉस्ट हो गया है और मुझे 55 कलर के नंबर याद नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, या फिर मैं टेबल इसका टेबल ढूंढ के आपको दे दूंगा। तो जनरली हम सीट पे यही करते हैं ना,
सीट के बाद जो तीसरा ऑप्शन आता है वो आता है रेंज का, सब्जेक्ट तो आ रहा रेंज। रेंज जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी मैं बता एक हल्का सा बोल देता हूँ कि रेंज में हम कुछ भी रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेंज ए वन बी वन सी वन को हम इस तरह से लिखते हैं, या फिर हम लिखते हैं सेल्स 1, 1 डॉट सेलेक्ट या जो भी लिख दीजिए वहां। तो ए वन बी वन रेफरेंस स्टाइल आपका एक्सेल का हो जाता है और ये आपका आर वन सी वन रेफरेंस स्टाइल होता है कि रो नंबर रो को भी नंबर में कॉलम को भी नंबर में डालते हैं। लेकिन रेंज इंपॉर्टेंट है तो इस पे हम आपके साथ कल डिस्कशन करेंगे, फिलहाल इतना ही। आज की जो हमने कोड लिखे हैं एक कोड हम आपको भेज देते हैं, आज की रिकॉर्डिंग हम ड्राइव में डाल देंगे, साथ में हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे, ठीक है। अब आप लोगों के पास कोई डाउट मिल जाएगा तो पूछ सकते हैं। शाला जी कोई डाउट है आपको? जी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछना है। पूछिए। सर फाइल को क्लोज करना है तो एक ऑप्शन हो गया कि हमें इसे सेव करना है और एक ऑप्शन हो गया कि हमें इसे सेव नहीं करना, तो उसमें कैसे डिफरेंशिएट करना है? फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू करेंगे तो सेव होगा। हाँ। ओके। और कुछ पूछना है? वीडियो मेगा में मिल जाएगा। हाँ मेगा में डाल दो, साथ में यूट्यूब पे भी चला जाएगा, मैं ड्राइव से ले सकते हैं। सुजीत जी ड्राइव का एक्सेस नहीं मिला है अभी तक मुझे। हाँ वो आपके फोल्डर में क्रिएट करके दे देता हूँ आपको मैं, हो गया है, बस फोल्डर क्रिएट करना है। आप कल सुबह तक मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, वहां सब ले लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय।